बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र के साथ लगती पंचायत टोबा के अंतर्गत आने वाले करोट के फकरेड़ा गांव में आज भी सड़क सुविधा न होने से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों को 3 से 4 किलोमीटर पैदल चलकर मरीजों को कंधे पर उठाकर अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि काफी बार बुजुर्गों की रास्ते में ही मौत हो गई है। ऐसा ही एक वीडियो चारपाई पर ले जाते हुए गर्भवती महिला का सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें ग्रामीण महिला को कंधे पर उठाकर ले जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के बाद भी आज ऐसा ही एक वीडियो चारपाई पर ले जाते हुए गर्भवती महिला का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें ग्रामीण महिला को कंधे पर उठाकर ले जा रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि आजादी के बाद भी आज तक 64 परिवारों को राजनीति के चलते सड़क की समस्या से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आते हैं तो राजनेता बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद राजनेता वापस लौटकर नहीं आते। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क के साथ साथ उनके घर जाने का रास्ता भी काफी खराब है, जिसमें चलने में भी काफी समस्या आती है। ग्रामीणों ने सरकार व प्रशासन से काफी बार गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। वहीं गर्भवती महिला के परिजनों ने बताया कि सड़क की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और रोजाना मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में काफी समस्या होती है। परिजनों ने सरकार से भी आग्रह किया है कि इस समस्या का समाधान जल्द किया जाए। मेरा गांव जी करोट पालंगिरी पकरीड़ा पड़ता है जी, उसकी मतलब सड़क की समस्या है जो आज तक मतलब उसका कुछ नहीं हुआ है, और ना तो हमारे को 4 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, सब कुछ हमारे कंधे या सिर के ऊपर जाता है। जो भी राशन पानी जो भी कुछ है वो हमारे कंधे के ऊपर या सिर के ऊपर जाएगा। अभी हमारे पीछे डिलीवरी केस हुआ ही, उनका मतलब वो मेरे चाचा की बहू है, उनको पालकी में ले जाया गया और पालकी में ही ऊपर घर लेके आए, और नीचे से कोई 3 किलोमीटर का फासला है जो कि कोई वहाँ से कोई रास्ता नहीं है कोई। हम आग्रह करते हैं सरकार से कि हमारे को सड़क की सुविधा दी जाए जल्द से जल्द, हमें चाहते हमारे को रास्ता कहीं से भी दे दें, सड़क की सुविधा होनी चाहिए।